Dear students, today we discuss chapter 5, alternating series. So what is the alternating series? A series in which the terms are alternatively positive and negative is called an alternating series. Means एक ऐसी series जिसकी term में alternatively क्या आ जाए, कभी positive और negative. Means कि means अगर इस type की series हो, जैसे a1 - a2 प्लस a3 - a4, मतलब एक टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस टाइप की जो सीरीज होती है, दैट सीरीज इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग सीरीज. वेयर जो an इज ग्रेटर देन 0, मतलब a1 a2 a3 a4 सभी के क्या है, पॉजिटिव, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज एंड इट इज डिनोटेड बाय. तो इस टाइप की जो सीरीज होती है बच्चों, a1 - a2 + a3 - a4, इसको कैसे डिनोट करते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ - 1 to the power n - 1 an. क्लियर? अगर आप n को 1 पुट करोगे तो बच्चों क्या बनेगा, 1 - 1 0, और -1 की पावर 0 क्या देगा आपको बच्चों, 1. तो a1, तो फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ जाती है. जब n को 2 रखेंगे, 2 - 1 - 1 की पावर 1 - 1, तो -a2 आ जाता है. ओके स्टूडेंट, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, -1 की पावर n - 1 an. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ये सीरीज है, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/4. आपने क्या देखा, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव टर्म, फिर पॉजिटिव टर्म, फिर नेगेटिव टर्म, फिर पॉजिटिव टर्म. क्लियर? तो इस तरह का मतलब ये जो सीरीज है ये अल्टरनेटिंग सीरीज है. और इसको हम समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ - 1 to the power n - 1 by n. ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, 1 - 1/√2 + 1/√3 - 1/√4 + 1/√5. तो इस टाइप की जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग सीरीज. और समेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, समेशन -1 की पावर n - 1 into 1 by √n. ओके, तो नेक्स्ट है लेमिनिस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए. आपके पास जो टेस्ट है उसका नाम क्या है बच्चों, लेमिनिस टेस्ट. तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ लेमिनिस टेस्ट. एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कंपल्सरी में, स्टेटमेंट ऑफ लेमिनिस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज. तो हेयर इज द स्टेटमेंट, द अल्टरनेटिंग सीरीज, आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी होगी, समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ - 1 to the power n - 1 an, विच इज इक्वल टू a1 - a2 + a3 - a4 + a5, जहां पर an क्या है, सभी टर्म्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इज कन्वर्जेंट. यह कहता है कि लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि कोई भी एक अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी. कब? फर्स्ट पार्ट, अगर an+1 < equal to an फॉर ऑल n, दैट इज an इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस. an आपके पास क्या मिल जाए बच्चों, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाए. क्लियर है ना? जैसे a1 आपके पास है, n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, a2 < equal to a1, मतलब a1 > a2, a2 > a3. अगर इस टाइप की आपके पास सीरीज है तो दैट सीरीज इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग सीक्वेंस. और nth टर्म, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, nth टर्म पर an पर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाने पर अगर आपके पास क्या आ जाए, 0. क्लियर है? लेमिनिस टेस्ट क्या कहता है कि किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज, कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है, अकॉर्डिंग टू लेमिनिस टेस्ट कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी. अगर वो सीरीज क्या है बच्चों, एक तो वो डिक्रीजिंग सीरीज हो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो सीरीज आपके पास क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए, मतलब an+1 < equal to an फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दैट इज सीक्वेंस an इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो. या सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, an क्या आना चाहिए, 0. अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज जो इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो सीरीज लेबनीज टेस्ट से क्या हो जाएगी बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाएगी. ओके, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो हियर इट इज गिवन दैट, ये आपको दे रखा है कि an+1 < equal to an फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ओके, और एक सेकंड पॉइंट दे रखा है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू 0.
ओके हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है समेशन माइनस वन टू दी पावर एन ए एन इज कन्वर्जेंट। अब आपको पता है बच्चों किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, उसके nth पार्शियल सम की जो सीरीज बनेगी उसके जो nth पार्शियल सम की nth पार्शियल सम की जो सिक्वेंस बनेगी अगर हम उसको क्या दिखा दें, कन्वर्जेंट दिखा दें, तो हमारी सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि दैट इज या देयर फॉर इन ऑर्डर टू प्रूव दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब गिवन सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए वी शैल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे द सिक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम ऑफ गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके ये आपको आपने पहले भी पढ़ा कंसेप्ट, किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना है तो उसके nth पार्शियल सम की सिक्वेंस को बच्चों क्या दिखा दो, कन्वर्जेंट। अब ये कहता है कि सिक्वेंस एस एन को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए वो क्या दिखा देता है कि सिक्वेंस एस टू एन इवन नंबर ऑफ टर्म की सिक्वेंस और s ऑफ 2n प्लस 1 ओड नंबर की सीक्वेंस को हम क्या दिखा दें बच्चों, कन्वर्जेंट। कहते हैं कि फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट द सीक्वेंस s2n, यहाँ तो क्या n, sn का मतलब है n नंबर ऑफ टर्म्स, s2n का मतलब 2n, अगर n को हम क्या ले ले 2n नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स, s2n प्लस 1 ओड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब nth पार्शियल सम था, ये 2nth पार्शियल सम है और ये 2n प्लस 1th पार्शियल सम है। ओके तो फोर ये कहते हैं कि सीक्वेंस sn को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम ये दिखा देंगे कि फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट द सीक्वेंस s2n एंड s2n प्लस 1 बोथ कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। अगर n को हम, अगर सीक्वेंस sn कन्वर्जेंट करती है बच्चों, अगर हम n को 2n से रिप्लेस कर दें और 2n प्लस 1 से भी रिप्लेस कर दें तो तब भी तो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज होनी चाहिए, सेम लिमिट पे, तो तभी तो हम कहेंगे ना सीरीज सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट है। ओके तो नाउ हम ये टर्म लेके चल पड़ते हैं बच्चों, एस ऑफ टू एन, एस ऑफ टू एन का मतलब क्या है, टू एन टर्म्स, सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो एस ऑफ टू एन क्या बनेगा बच्चों, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस ए फाइव माइनस ए सिक्स, और आपने देखा बच्चों नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ए टू पे, ए फोर पे, ए सिक्स पे, तो ए टू एन के साथ भी क्या आएगा, नेगेटिव, और उससे जस्ट पहले वाले टर्म क्या बनेगी बच्चों, पॉजिटिव। ओके विच इज इक्वल टू ए वन फॉर नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या बन जाएगा, ए टू माइनस थ्री, फिर नेक्स्ट टर्म में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, ए फोर माइनस फाइव, कंटिन्यू लाइक दिस। अब आपने क्या देखा बच्चों, ब्रैकेट में स्टार्टिंग में क्या आता है, इवन टर्म आती है ए टू ए फोर, इसलिए जब हम लास्ट ब्रैकेट में लिखेंगे तो तब भी तो क्या आएगी आपके पास, इवन टर्म आएगी। ओके तो अब आपने देखा कि लास्ट टर्म ए टू एन थी, ए टू एन माइनस वन थी, और इससे जस्ट पहले वाली बच्चों टर्म क्या मिलेगी आपको, ए नेगेटिव के साथ मिलेगी, ए टू एन माइनस टू मिलेगी। तो इन दो टर्मों को ब्रैकेट्स में डाल लेते हैं, ब्रैकेट में डालेंगे तो बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ए टू एन माइनस टू, और ये जो टर्म थी पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगी, और माइनस में ए ऑफ टू एन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब क्या देखा कि यहाँ हर एक ब्रैकेट से पहले, हर ब्रैकेट से पहले आपके पास माइनस का साइन है बच्चों, क्लियर है ना, तो इस माइनस को बाहर ले कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, ए वन, ए वन माइनस में बच्चों क्या बन जाएगा, ए वन माइनस आपने कॉमन ले लिया तो टर्म क्या बन जाती है, ए टू माइनस ए थ्री प्लस ए टू, ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ए फोर माइनस ए फाइव, और यहाँ पर माइनस था प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए टू माइनस टू माइनस ए टू एन माइनस वन, इसमें से बच्चों माइनस कॉमन लिया तो क्या बना, प्लस। ओके अब बच्चों ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, सीरीज आपके बारे, सीरीज के बारे में क्या दे रखा, सीरीज एक डिक्रीजिंग सीरीज है, हेयर इट इज गिवन दैट ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन, एंड और ए एन क्या है बच्चों स्टेटमेंट में, ए एन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो, हमने जो अल्टरनेटिंग सीरीज ली है इसकी स्टेटमेंट में क्या है बच्चों, ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एन को आप टू एन पुट करोगे तो तब भी तो क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फोर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ना, तो इसलिए जब एन को टू एन रखेंगे तब भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हमने क्या देखा बच्चों, ए टू एन दैट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ए टू ए थ्री से क्या है बच्चों, बड़ा है, क्योंकि सीरीज क्या डिक्रीजिंग है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगी बच्चों वो पॉजिटिव होगी, ए फोर ए फाइव से बड़ा है, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी,
ए टू एन माइनस टू ए टू एन माइनस वन से बड़ा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब इस ब्रैकेट की हर एक टर्म आपके पास बच्चों क्या है, पॉजिटिव टर्म है। क्लियर? तो हेयर इट इज गिवन दैट ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन एंड ए टू एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो देयर फॉर ईच टर्म विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर की हर एक टर्म बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने क्या देखा कि ए एन में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी बच्चों माइनस हो रही है। ये भी पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म, ए टू एन भी पॉजिटिव टर्म, मतलब ये पूरी टर्म एक पॉजिटिव टर्म है और वो ए एन में ए वन में से माइनस हो रही है। तो इसका मतलब बच्चों एस टू एन इज लेस देन इक्वल टू ए वन फॉर ऑल एन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो हमने क्या देखा कि एस टू एन इज लेस देन इक्वल टू ए वन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एन क्या है? फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब बच्चों सीक्वेंस एस टू एन क्या होगी, बाउंडेड अबोव होगी, और बाउंडेड अबोव किससे है, ए वन से। तो देयर फॉर सीक्वेंस एस टू एन इज बाउंडेड अबोव। अब हम इस सीक्वेंस को मोनोटोनिकली डिक्रीज, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करते हैं बच्चों। एस टू एन एक सीक्वेंस है, उसकी जो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चों, एस टू एन प्लस टू बनेगी ना, ठीक है ना। जब एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी बच्चों, एस टू एन प्लस टू। तो हमने क्या किया, एस टू एन प्लस टू में से माइनस एस टू एन कर दिया। तो एस टू एन प्लस टू आपके पास क्या बनेगा, लास्ट टर्म क्या जाएगी, ए ऑफ टू एन प्लस टू। और आपने देखा बच्चों माइनस ए टू माइनस ए फोर, तो इसका मतलब लास्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब उसमें से ए कम करोगे तो क्या आएगा, टू एन प्लस टू में से ए कम करेंगे तो टू एन प्लस वन आएगा, फिर उसमें से वन माइनस करेंगे तो ए ऑफ टू एन आएगा। क्लियर है ना? अब एस टू एन प्लस टू में से एस टू एन माइनस करेंगे, एस टू एन मीटर में बच्चे कहाँ तक है, एस टू एन मीटर में आपके पास ए टू एन तक है। क्लियर है? और एस टू एन प्लस टू मीटर में कहाँ तक है, ए टू एन प्लस टू तक है। तो एस टू एन प्लस टू में से एस ऑफ टू एन को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस ए टू एन तक की सारी टर्में कैंसिल हो जाएंगी, मतलब माइनस ए टू एन तक की सारी टर्में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या बच जाएगा, ए टू एन प्लस वन माइनस ए टू एन प्लस टू। और आपने, आपको दे रखा है कि जो सीरीज है वो क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग है। ये दे रखा है कि ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन। अगर एन को आप टू एन रिप्लेस कर दो तो ए टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू एन प्लस वन भी होगा। क्लियर? तो देयर बिकॉज ए ऑफ टू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ टू एन प्लस टू। तो इसका मतलब ये जो टर्म है बच्चों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मीन्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। तो दिस इंप्लाइज एस टू एन प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस ऑफ टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगी आपके पास, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। और आपने पढ़ा है अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और साथ में बाउंडेड अबोव हो तो वो सीक्वेंस बच्चों क्या करती है, कन्वर्जेंट करती है। पढ़ा है ना हमने? तो सीक्वेंस एस टू एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो थर्ड सीक्वेंस एस टू एन इज सीक्वेंस जो आपके पास एस टू एन है दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबोव एंड हेंस कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट करेगी तो किसी नंबर पे कन्वर्जेंट करेगी, और मान लेते हैं कि दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एस लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी एस ऑफ टू एन इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं बच्चों, हम एस ले लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? करते हैं नाउ, अब सीक्वेंस की बात करते हैं। एस टू एन प्लस वन ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेके चलते हैं। एस टू एन प्लस वन, एस टू एन प्लस वन में क्या चलेगा बच्चों, एस टू एन प्लस वन का मतलब होगा एस टू एन प्लस ए ऑफ टू एन प्लस वन, लिख सकते हैं ऐसे। नाउ टेकिंग लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इस पर भी लिमिट लगाई दी। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस टू एन प्लस ए टू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस टू एन प्लस लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए ऑफ टू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू, यह भी आपने डिस्कस किया था, भी एस टू एन के बारे में पढ़ा था कि एस टू एन जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट करती है, कन्वर्जेंट करती है तो किसी नंबर एस पे कन्वर्स करती है, इसलिए हमने इसको एस लिख दिया। और आपके स्टेटमेंट में दे रखा है, लेमनिस टेस्ट की स्टेटमेंट में दे रखा है कि लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन क्या है बच्चों, जीरो। अगर ए एन को आप टू एन प्लस वन रिप्लेस कर दो,
एन क्या है यहाँ पर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अगर एन को टू एन प्लस वन से रिप्लेस कर दो तब भी क्या आएगा, ये जीरो। तो इसलिए लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए टू एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये हमें दे रखा है कि लिमिट एन गोज टू इन्फाइनेट ए एन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो देयर फॉर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जब आपने लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस टू एन पे लगाया तब भी ऐसा जाता है, और लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस टू एन प्लस वन पर लगा के देखा तब भी हमारे पास क्या आता है, एस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, सीक्वेंस एस टू एन एंड एस टू एन प्लस वन कन्वर्जिस टू द सेम लिमिट एस, तो इसका मतलब वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट सीक्वेंस एस एन कन्वर्जिस टू एस फॉर ईच एन। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस एस एन है वो कन्वर्ज करती है एस पे फॉर ईच एन, एन हर एक एन के लिए, एज एस टू एन कन्वर्जिस टू एस। ओके, यहाँ पर सीक्वेंस एस टू एन और एस टू एन प्लस वन दोनों सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है, एस पे कन्वर्ज करती है। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम वन। हेयर स्टूडेंट, सीक्वेंस एस टू एन कन्वर्जिस टू एस, देन बाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम वन सच दैट मोड ऑफ एस टू एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। एज सीक्वेंस एस टू एन प्लस वन, सीक्वेंस एस टू एन प्लस वन भी किस पे कन्वर्ज करती है बच्चों, एस पे। अगेन बाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम टू सच दैट मोड ऑफ एस टू एन प्लस वन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन फोर ऑल टू एन ग्रेटर देन टू एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। लेट कर लेते हैं एम बी द मैक्सिमम ऑफ एम वन एंड एम टू, तो देयर फॉर फ्रॉम दिस एंड दिस वी हैव मोड ऑफ एस टू एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन एंड मोड ऑफ एस टू एन प्लस वन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन फोर ऑल टू एन एंड टू एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मीन्स एन चाहे आपके पास इवन हो चाहे आपके पास ओड हो तो ये इनइक्वालिटी क्या करती है बच्चों, होल्ड करती है। तो देयर फोर सिक्वेंस एस एन कन्वर्जिस टू एस फॉर ऑल एन। ओके, हमने क्या दिखा दिया बच्चों, एक अल्टरनेटिंग सीरीज थी आपके पास, अल्टरनेटिंग सीरीज का एस एन क्या था, एनथ पार्शियल सम की सीक्वेंस थी, उसको हमने कन्वर्जेंट दिखा दिया। अगर एनथ पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज भी क्या हो जाएगी आपके पास, कन्वर्जेंट। हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम रिमार्क ऑन दैट टॉपिक। हेयर ये कहता है कि इफ लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, आप जो लेमनिस टेस्ट है उसके अंदर जो कंडीशंस थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि ए एन प्लस वन इज ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक सेकंड कंडीशन थी कि लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो। आप ये दोनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करती है तभी हम लेबनीज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज लेबनीज टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, ये कहता है कि अगर कोई भी आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है और उसमें ए एन जो एनथ टर्म है अगर उस पर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करे और वो जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी आपके पास वो क्या करेगी बच्चों, ओसिलेट करेगी, कन्वर्जेंट नहीं करेगी। ओके, अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है उसके अंदर जो ए एन है अगर उस पर लिमिट एन गोज़ टू इनफाइनाइट लगाने पर अगर वो जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब जो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है वो हमारे पास क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। सेकेंड पॉइंट है कि इफ ए एन डज नॉट, ए एन इज नॉट कन्वर्जिस टू जीरो एज एन गोज़ टू इन्फिनिटी बट टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट, मीन्स nth टर्म पर लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट लगाने पर जीरो नहीं आता बट कोई भी एक फाइनाइट नंबर एल आ जाता है, कोई भी एक फाइनाइट लिमिट एल आ जाती है अदर देन जीरो, देन द सीरीज ओसिलेट, सीरीज ओसिलेट करेगी बिटवीन टू वैल्यूज विच डिफर बाई एल। जो लिमिट आएगी आपके पास सीरीज ओसिलेट करेगी बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच में जिनका डिफरेंस क्या है, एल रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस टू एन लिया, एस टू एन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन टर्मों का सम, प्लस ए टू एन,
प्लस ए टू एन। ओके क्लियर, समझ में आ गया ना। टू एन को हम ब्रेक करके लिख दिया, टू एन माइनस वन टर्म जो ए वन ए टू अप टू ए टू एन माइनस वन, उन सबके सम को एस टू एन माइनस वन से लिख सकते हैं। और एक लास्ट टर्म, अब इस टर्म को इधर ले आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन, अगर ए एन पर एन गोज टू इन्फिनिटी लगाने पर एल आता है, तो एन को अगर टू एन से रिप्लेस कर दें और फिर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी लगाए, तब भी क्या आएगा बच्चों, एल। क्लियर है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, एल आता है। तो सीरीज ओसिलेट करेगी, मतलब एक तो सीरीज आपके पास सिक्वेंस है टू एन, टू एन मतलब टू एन एथ पार्शियल सम ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज, एक है टू एन माइनस वन मतलब एक इवन टर्म का सम है और एक ऑड टर्म का सम है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाता है बच्चों, एल आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो सीरीज है वो ओसिलेट करती है बिटवीन टू वैल्यूज विच डिफर बाई एल। फॉर एग्जाम्पल, इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये है कि 2 बाई थ्री माइनस 3 बाई फोर प्लस 4 बाई फाइव माइनस 5 बाई सिक्स प्लस 6 बाई 7, ये क्या सीरीज है बच्चों, एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि इसमें टर्म में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। और सीरीज भी कैसी है बच्चों, ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन है, और हर एक टर्म जैसे 2 बाई थ्री है, 3 बाई फोर है, 4 बाई फाइव, ऐसे भी टर्म में क्या है, पॉजिटिव भी है। क्लियर, फॉर ऑल एन, और लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एट ए एन लगाकर देखे, एनथ टर्म क्या बच्चों, एन प्लस वन बाय एन प्लस टू और वन आ जाता है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, सीरीज तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, बट एन टर्म पर लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट लगाने पर जीरो नहीं आता, बट एक वन आता है, एक फाइनाइट लिमिट आती है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज आपके पास ओसिलेट फाइनाइटली है बिटवीन लिमिट विच डिफर बाई वन। ओके स्टूडेंट्स, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आपके पास एक सीरीज दे रखी है, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई एन, मतलब वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर। देखते ही पता चल रहा है कि ये सीरीज क्या है बच्चों, अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए हम लेबनीज टेस्ट पे जाएंगे। लेबनीज टेस्ट तभी अप्लीकेबल होगा अगर ये सीरीज हमें क्या मिल जाए, अगर हम इसको ये शो कर दें कि ए एन प्लस वन लेस देन ए एन फॉर ऑल एन, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि एन एथ टर्म अगर जीरो को अप्रोच कर जाए, कब, जब एन गोज टू इन्फिनिटी है, तो लेबनीज टेस्ट से ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अदरवाइज हम कह देंगे कि लेबनीज टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल, तो इट इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो हेयर ए एन किसके इक्वल है बच्चों, वन बाई एन, वन बाई एन क्या, ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन कोई भी नेचुरल नंबर रखो, ए एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ए एन प्लस वन क्या आएगा बच्चों, वन अपॉन में एन प्लस वन। क्लियरली आपको पता है कि एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एन, और इसका रेसिप्रोक कर लेंगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी, तो देयरफॉर ए एन प्लस वन लेस देन क्या आ जाएगा, ए एन फॉर ऑल एन। क्लियर है, तो हमने दिखा दिया बच्चों ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन फॉर ऑल एन। ओके, और आल्सो ये भी है कि दैट इज ए एन, यहाँ हमने दिखाया था कि ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन, एंड ए एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन। क्लियर, ऑल्सो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन, ए एन का काम कौन करता है बच्चों, वन बाई एन, वन बाई इनफाइनाइट जीरो आ जाता है। तो दोनों कंडीशन लेबनीज टेस्ट की अप्लीकेबल हैं, अगर लेबनीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो लेबनीज टेस्ट क्या कहेगा, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ऑल द कंडीशन ऑफ लेबनीज टेस्ट आर सेटिस्फाई, तो देयरफॉर बाय लेबनीज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स।